Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is conflict with neighboring states. इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट एंग्लो नेपाल रिलेशंस, नेक्स्ट हमने देखा था एंग्लो बर्मीज रिलेशंस, ओके नाउ आज हम देखेंगे एंग्लो अफगान रिलेशंस और वॉर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नाउ क्यों हुए थे एंग्लो अफगान वॉर्स, ठीक है ना, तो क्या रीजन था इसका, क्या रूट कॉज था। सो इंग्लिश का जो एम्बिशन था, ठीक है ना, इंग्लिश एम्बिशन कि वो क्रिएट करना चाहते थे एक बफर जोन बिटवीन इंग्लिश एम्पायर ऑन द वन हैंड एंड एडवांसिंग रशिया, ओके, जो कि एडवांस कर रहा था इंडिया की तरफ, ठीक है ना, एडवांसिंग रशियन एम्पायर। ये जो रीजन था, इट टुक देम टू अफगानिस्तान इन सर्च ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और ये तभी पॉसिबल था जब अफगान में आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश होगा, दैट इज इंग्लिश का, ओके। ये हमने लास्ट टाइम जब हम डिस्कस किया था एनेक्सेशन ऑफ सिंध, उसमें भी देखा था कि रोल ऑफ एंग्लो अफगान वॉर्स, ठीक है ना। नाउ हम देखते हैं कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर इसका जो टाइम पीरियड है ये है आपका 1839 से 1842 में। सबसे पहले कॉजेस देख लेते हैं, क्या कॉजेस थे व्हाट लीड्स टू द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ओके। सो यहां पे दोस्त मोहम्मद थे, उन्होंने आस किया था इंग्लिश की हेल्प के लिए कि इंग्लिश आप हमें हेल्प करिए ताकि हम विन कर पाए पेशावर, और उस टाइम जो पेशावर था ना ये था अंडर राजा रंजीत सिंह, ठीक है ना। एनेक्सेशन ऑफ सिंध में हमने ये भी देखा था कि रंजीत सिंह और इंग्लिश के अलाय थे, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं होता कि इंग्लिश उनकी हेल्प करते, दैट इज अ दोस्त मोहम्मद की, इन ऑर्डर टू गेन पेशावर फ्रॉम रंजीत सिंह, ओके। सो उस टाइम के जो लॉर्ड थे, दैट इज द लॉर्ड ऑकलैंड, उन्होंने ये प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, रिजेक्टेड दिस प्रपोजल। अब जब ये प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, दैट इज इंग्लिश तो हेल्प करने से रहे, तो दोस्त मोहम्मद के पास कौन सी एक नेक्स्ट पावर बनती थी, एंड और जो वो पावर थी दैट इज दी फ्रेंच। उन्होंने एक्सप्लोर किया फ्रेंच की फ्रेंडशिप के लिए, ठीक है ना, बेसिकली एक्सेप्टेड कर ली उन्होंने जो फ्रेंच की फ्रेंडशिप थी, ठीक है ना। उसके बाद ऑकलैंड ने क्या किया, ऑकलैंड सेंट एन इंग्लिश मिशन, उन्होंने एक इंग्लिश मिशन भेजा। उन्होंने सोचा कि अब तो दो तरीके से प्रॉब्लम आ गई, एक तो फ्रेंच, ठीक है ना, और दूसरी एडवांसिंग रशिया, ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने एक मिशन भेजा, और ये जो मिशन भेजा था अंडर अलेक्जेंडर बर्न्स, अलेक्जेंडर बर्न्स के अंडर में भेजा था। अब ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन चल रही है, हॉस्टाइल सिचुएशन है, तो ये जो मिशन है ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोस्त मोहम्मद, ठीक है ना, और वही हुआ कि जो अफगान चीफ थे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था, दिस मिशन वॉज रिजेक्टेड बाई अफगान चीफ, ठीक है ना। नाउ ये तो हो गया था, अब देख लेते हैं कि इवेंट ड्यूरिंग द वॉर क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे ड्यूरिंग द फर्स्ट अफगान वॉर। इवेंट ड्यूरिंग द वॉर, नाउ जो ऑकलैंड थे उन्होंने साइन करी ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, ठीक है ना, ट्राइपार्टाइट ट्रीटी, और इस ट्रीटी के मेंबर्स कौन कौन से थे, और ये जो ट्रीटी साइन करी थी 1838 में की थी विद शाह सुजा, जो कि प्रिंस थे अफगानिस्तान के,
ठीक है ना। सेकेंड पावर थी आपकी रंजीत सिंह, ठीक है, और इंग्लिश आर्मी। नाउ हमने ये भी देखा था एनेक्सेशन ऑफ सिंध में कि एज पर दिस ट्राइपार्टाइट ट्रीटी जो इंग्लिश थे और बेसिकली जो इंग्लिश की जो आर्मी थी उसने क्रॉस करी थी दी टेरिटरीज ऑफ सिंध, सिंध टेरिटरीज, जो कि कंसिडर किया जाता है एज ए वॉयलेशन ऑफ ट्रीटी 1832 जो इंग्लिश ने सिंध के साथ साइन करी थी, जिसमें उनकी यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को मेंटेन और इंटेक्ट करने की आपको प्रोविजंस थे, ठीक है ना। ये आपकी ट्रीटी वॉयलेट करी थी, ठीक है ना। और जब क्रॉस किया था सिंध तो उस टाइम ऑक्यूपाइड किया था उन्होंने आपका कांधार, दैट इज अफगानिस्तान की टेरिटरीज, ठीक है ना, घजनी एंड काबुल, ठीक है ना। तो ये आपका इवेंट्स हुए थे ड्यूरिंग दी फर्स्ट अफगान वॉर। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या निकला, ठीक है। तो शाह शुजा जो थे, जो कि प्रिंस थे आपके अफगानिस्तान के, उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, नॉट एक्सेप्टेड एज अ चीफ बाय अफगान, उन्होंने उनको एज अ चीफ एक्सेप्ट नहीं किया था और उनको राइवलरी में मार दिया गया था, और ये जो मारा था उनको 1842 में, ओके ना। ना उसके बाद क्या हुए, जो अफगान थे और बेसिकली जो अफगानिस्त थे दे रोज इन रेबेलियन, ठीक है ना। अब वो रेबेलियन करने लगे थे और उन्होंने काफी इंग्लिश मैन को भी मार दिया था, ठीक है ना, एंड किल्ड वेरियस इंग्लिश मैन, और जो उसमें से मोस्ट प्रोमिनेंट थे दैट इज द इंग्लिश मैन बर्न्स, चार्ल्स, सर विलियम एंड एल्फिंस्टन, ओके। दस इंग्लिश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता था बट फोर्स टू साइन अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी, उनको एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी और रिकग्नाइज करना पड़ गया था दोस्त मोहम्मद एज दी अमीर ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है ना, अफगानिस्तान। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है ना। अब हम देखते हैं सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। इसका जो टाइम पीरियड है ये है 1878 से लेकर 1880, ओके, ठीक है। तो इसके भी फर्स्ट हम कॉजेज में डिवाइड कर लेंगे, इसको कॉजेज देख लेंगे क्या इवेंट्स हुए थे और रिजल्ट। सबसे पहले कॉजेज देखते हैं। तो जो शेर अली थे वो अफगान के चीफ थे एट दैट टाइम, ठीक है ना, और उन्होंने भी क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था इंग्लिश का मिशन, दैट इज मिशन सेंट बाय द इंग्लिश, ठीक है ना। और ये किसने भेजा था उस टाइम, ये भेजा था लॉर्ड लिटन ने, ठीक है ना, लॉर्ड लिटन अंडर सर लुइस पैली एंड सर नेवल चैम्बरलेन, ठीक है ना। और इसीलिए लॉर्ड लिटन को काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है और उनकी फेल्ड पॉलिसी में से एक ये भी था, दैट इज द डिजास्टर इन एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है ना। जब हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन के बारे में वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप इतना याद कर लो। एट द सेम टाइम शेर अली ने जब दैट इज द इंग्लिश कमीशन रिजेक्ट कर दिया, उसी के साथ साथ और बेसिकली उसी टाइम क्या किया था कि एक्सेप्ट कर लिया था होल हार्टेडली किसका मिशन, इस टाइम फ्रेंच नहीं थे, इस टाइम रशियन, जो कि एडवांस कर रहा था इंडिया की तरफ रशियन मिशन। और ये जो रशियन मिशन भेजा था इन्होंने स्टोलियटॉफ, इन्होंने भेजा था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, दैट इज द शेर अली अफगान के चीफ थे। बट इवेंट्स अब देख लेते हैं, इवेंट्स ड्यूरिंग द वॉर।
लिखना। नाउ इंग्लिश अटैक्ड फ्रॉम थ्री साइड्स, इंग्लिश ने अटैक किया था फ्रॉम थ्री साइड्स, ठीक है ना, कौन कौन से, दैट इज द खाइबर पास, खुर्रम पास एंड बोलान पास। एज ए रिजल्ट जो शेर अली थे उनको डिफीट कर दिया था बाय इंग्लिश ने और वो लेटर डाई हो गए थे, ठीक है ना। रिजल्ट क्या हुआ इसका, रिजल्ट क्या हुआ कि याकूब खान उन्होंने साइन करी इंग्लिश के साथ एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी, दैट इज द ट्रीटी ऑफ गंदमक, ठीक है ना। अब ये ट्रीटीज के नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो प्लीज डू रिमेंबर, सॉरी इसका है 1879 में, ठीक है, प्लीज डू रिमेंबर दीज नेम्स, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा ट्रीटी ऑफ येंडाबो इज रिलेटेड टू, आपको एंग्लो नेपाल दे देंगे, बर्मीज दे देंगे, ठीक है ना, अफगान दे देंगे, बट ये ट्रीटी ऑफ येंडाबो किसके साथ साइन हुई थी, बर्मीज के साथ, ठीक है ना, और ट्रीटी ऑफ गंदकमक ये आपकी अफगान के साथ, ठीक है ना। अब इस ट्रीटी में था क्या, तो याकूब खान ने साइन तो करी थी ये ट्रीटी, बाई विच जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे, ब्रिटिश रेसिडेंट थे वो पोस्टेड किए जाएंगे काबुल में अलॉन्ग विद वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, दैट इज आपके खुर्रम हो गए, पिसिन हो गए एंड सिबी वर ऑल्सो गिवन टू इंग्लिश। बट ये एनालाइज किया गया कि वेरी सून जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे वहां पे, ब्रिटिश रेसिडेंट थे, दैट इज द मेजर कवागरी, उनको मर्डर कर दिया गया था, ठीक है ना, बाय द अफगानीज। नाउ इसने फिर से रीस्टार्ट कर दिया, दैट इज रीस्टार्टेड द वॉर, एंड नाउ उसके बाद जनरल रॉबर्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया काबुल को और लेटर ऑन फिर अब्दुल रहमान को चूज किया गया और बना दिया गया एज अ न्यू अमीर ऑफ अफगानिस्तान, उनको फिर न्यू अमीर ऑफ अफगानिस्तान बना दिया गया था। दैट वॉज द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, देख लेते हैं हम थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, इसका जो टाइम पीरियड था दैट इज 1919, ठीक है। अब क्या हुआ था 1919 में, हबीबुल्ला जो कि थे उस टाइम अमीर ऑफ अफगानिस्तान, उनको मर्डर कर दिया गया था, ठीक है ना, उनको मर्डर कर दिया गया था बाय रेबेलियस एलिमेंट्स ऑफ अफगानिस्तान और उनके जो सन थे अमनुल्ला, उन्होंने ट्राई करा था कि मैं डिक्लेयर कर दूं अपनी इंडिपेंडेंस, डिक्लेयर हिज डिपेंडेंस किससे, फ्रॉम ब्रिटिश रीजेंसी से, ओके। एज ए रिजल्ट उन्होंने काफी इन्वेजन भी किया था, दैट इज ही इन्वेडेड वेरियस ब्रिटिश टेरिटरीज, ठीक है ना, ऑन सी इंटीग्रेशन दैट कि जो जर्मन एजेंट है वो उनके साथ है, बट इनका जो ये एफर्ट था टू इन्वेड वेरियस ब्रिटिश टेरिटरीज ये फेल्ड हो गया और लेटर ही वॉज डिफीटेड। और इनके साथ बेसिकली उसके बाद थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में एक ट्रीटी फिर से साइन की जाती है और उस ट्रीटी का नाम है दैट इज द ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। और एज पर दिस ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी इज वॉज साइन अकॉर्डिंग टू विच जो अमीर्स थे, दैट इज जो अफगान के अमीर थे वो फ्री थे, अब उनको फ्री कर दिया गया था, वर नाउ फ्री टू परस्यू देयर पॉलिसी, विद इन देयर टेरिटरी जितनी भी अपनी टेरिटरीज हैं वो अपनी पॉलिसी को परस्यू कर सकते हैं,
जो उनकी एनुअल सब्सिडी थी उनको स्टॉप कर दिया गया था। एट दैट टाइम अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इंडिया में, ठीक है ना, तो ये आप रिमेंबर कर लेना, ठीक है। सो इट इज अबाउट द एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख लो, कौन कौन से नाम थोड़े से देख लो इसमें, ठीक है ना, एक दो बार देखोगे तो याद आ जाएगा आपको। और इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ गंदकबंद, अब ये कौन से अफगान वॉर में साइन हुई थी, दैट इज द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है ना। ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी क्या उसके एलिमेंट्स थे, ठीक है ना, और ये कब हुई थी, थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर डेप्थ में जाके पूछेंगे तो बन सकते हैं। सो मोस्टली हमने ब्रीफ में कवर कर लिया है, डिटेल में हम इसको बाद में करेंगे एग्जैक्टली क्या क्या कॉजेस थे, ठीक है ना, फ्रॉम अवर मेन्स पर्सपेक्टिव्स, ठीक है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे।